प्यारे विद्यार्थियों, रेट लेवल वन पर जो आज बीएड और बीएचटीसी का जो मामला था, उस मामले में पूरी सुनवाई हो गई है। उसके बाद जितने बीएचटीसी वालों ने प्रयास किया था, उसके हिसाब से बीएड वालों की भी आज पूरी बात सुनी गई और फैसला कल तक सुरक्षित रखा गया है। और इस जो मुख्य न्यायाधीश जी की पीठ पर और कल 10:30 बजे अदालत में सुनाई गई मामले पर फैसला आप दे सकते हो। लगातार कॉल और कमेंट आए थे कि सर आज का क्या हुआ, तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि रेट लेवल फर्स्ट में अभ्यर्थी को शामिल करने का मामले में आज राजस्थान हाई कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। और सुनवाई, ये इतना बड़ा मामला है, आप देख सकते हो कि राजस्थान सरकार ने इनको इतना बड़ा लिया है कि जोधपुर के हाईकोर्ट के सीजे चीफ जस्टिस अकील कुरैशी की खंडपीठ में सुनवाई पूरी हुई है। अब हाईकोर्ट खंडपीठ कल लिखवाएंगे मामले पर फैसला। तो दोस्तों, कल जो मामला है उस पर फैसला लिखा गया, कल सुनाया जाएगा कि किसके फेवर में फैसला होता है। बहुत ही पेचीदा और बहुत ही लंबी सुनवाई हुई इसकी। और इसके अलावा इधर जो रीट में जो 50,000 पदों को लेकर लगातार बेरोजगार लगे हुए हैं, और जो उपेन जी, कल आपने देखा होगा कि उपेन जी शहीद स्मारक पर बेरोजगारों ने 50,000 पदों के लिए एक हल्ला बोल प्रयोग प्रोग्राम रखा था। और इसके बाद आज पूरी टीम में शिक्षा मंत्री जी के पास गई है। ये देख सकते हो आप, गुलाब देकर बेरोजगारों का सरकार को 2 दिन का अल्टीमेट भी दिया है, और अगर मांगे नहीं मानी तो यूपी की ओर कुछ भी कर सकते हैं। ये आप देख सकते हो कि जी राजस्थान का बड़ा गुलाब दे के बेरोजगारों का सरकार को 2 दिन का अल्टीमेट है मांगे। अब सरकार को 2 दिन में इनकी प्रमुख रूप से मांगे माननी पड़ेगी। और ये दे सकते हो बी डी कला के इसको फूल दे रहे हैं, और बेरोजगार हाथ में पन्ने लेकर पहुंचे हैं कि भाई 50,000 रेट में पद करो। राजस्थान बेरोजगार इक्कीत महासंघ की ओर से 21 सूत्री मांगों को लेकर पिछले 42 दिन से धरना चल रहा है। और कल मुख्यमंत्री के सलाहकार दानिश अब्रार ने धरना स्थल पहुँच कर बेरोजगार से वार्ता भी की थी। मुख्यमंत्री जी ने इनको भेजा था, 2 दिन का आश्वासन दिया है, जिसके बाद धरने पर बैठे हुए बेरोजगारों ने 2 दिन के लिए उत्तर प्रदेश को स्थगित कर दिया है। इस कड़ी में आज महासंघ अध्यक्ष उपेंद्र यादव ने कहने तो मंत्रियों को गुलाब का फूल देकर उनकी मांगों को पूरा करने की गुहार लगाई गई है। और महासंघ अध्यक्ष उपेंद्र यादव के नेतृत्व में आज सुबह शिक्षा मंत्री बी डी कला, उच्च शिक्षा मंत्री राजेंद्र सिंह यादव, ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी को गुलाब का फूल देकर उनकी मांगों को पूरा करने के लिए मांग की गई है। इसके अलावा आप देख सकते हो, गुलाब का फूल देने के बाद महासंघ अध्यक्ष उपेंद्र यादव ने कहा है कि बेरोजगार अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 42 दिनों से शहीद स्मारक धरने पर बैठे हैं। 24 नवंबर को उत्तर प्रदेश में बेरोजगारों का मापड़ाव शुरू करना था, लेकिन बीते दिन दानिश अब्रार ने मुलाकात कर आश्वासन दिया है। इसके बाद आज सभी मंत्रियों को गुलाब का फूल देकर उनकी मांगों को याद दिलाई जा रही है। अगर 2 दिनों में सरकार मांगे नहीं मानेगी तो 26 नवंबर को बड़ी संख्या में राजस्थान से बेरोजगार उत्तर प्रदेश कुछ करेगा, और प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की सभाओं में मां पड़ाव दिया जाएगा। इस प्रकार बेरोजगारों ने आर पार की लड़ाई का ऐलान किया है, और जब तक तो उनका हक की मांग पूरी नहीं होती वे पीछे नहीं हटेंगे। तो दोस्तों, 800 400 400, जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सअप नंबर, क्योंकि चाहे आप मैथ का सवाल हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर डाउट हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सोल्यूशन, वो भी सीधा व्हाट्सएप पर। बस अपने फोन में डाउट नेट का 800 400 400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो आपका डाउट है, उस सवाल की फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है, 5 सेकंड में आपको वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IIT JEE नीट CBSE बोर्ड व सभी स्टेट के बच्चों के लिए, तो देर किस बात की, अभी जाइए 800 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए, अपने सभी सवाल को आउट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो इस प्रकार, इसके अलावा इधर शहीद स्मारक पर लगातार बेरोजगार 50,000 पदों को लेकर प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा शिक्षा विभाग की महत्वपूर्ण मीटिंग भी हुई आज और करीब 2 घंटे तक चली है। उसमें स्कूलों में जो कोरोना आया है उसको भी लेकर इसमें है, लेकिन 2 घंटों में शिक्षा विभाग की अन्य बातें जो भर्तियों से संबंधित और रेट में पदों को लेकर भी बात हुई है। लेकिन अब इसकी सहमति नहीं सहमति, क्योंकि आपको मालूम है शिक्षा मंत्री जी ने पहले ही घोषणा कर दी थी। मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था कि आपकी जो मांग है उसको लेकर नए शिक्षा मंत्री जी जैसे ही बने
बेरोजगारों ने रीट अभ्यर्थियों ने उनको घेरा है और लगातार आपको मालूम है कल दानिश जी अब्रार गए थे तो भी 50,000 पदों को लेकर सब जगह, और इधर जो फर्स्ट ग्रेड की और अन्य भर्ती आ रही है उनके बारे में भी शिक्षा मंत्री जी ने जो आज मीटिंग ली थी उसमें चर्चा हुई है। और ये आप देख सकते हो कि जो फैसला था मैंने आपको बता दिया है, उस शिक्षा मंत्री ने भी आज बैठक की है और ये उपेंद्र जी जो मिले हैं उनकी ये फोटो आप देख सकते हो राजेंद्र, ये जो फूल लेकर जा रहे हैं इनमें से। इसके अलावा ये आप जो फर्स्ट ग्रेड की विज्ञप्ति से संबंधित कल हमने भी वीडियो बनाया था और आपने उसके अलावा कई विद्यार्थी ये मांग करे थे कि सर कल जो सही तरीके से विज्ञप्ति दिख नहीं रही थी, तो दोस्तों इसमें आप देख सकते हो कि हिंदी के जो पद हैं वो 1462 पद आएंगे हिंदी के, और इतिहास सब्जेक्ट के पद हैं 807 पद आएंगे, वाणिज्य के 130 पद आएंगे और राजनीति विज्ञान के 1196 पद आएंगे, और अंग्रेजी के 272, संस्कृत के 194 और जीव विज्ञान के 162, राजनीति रसायन विज्ञान के आएंगे 122, गृह विज्ञान के 22, गणित के 68, भौतिक विज्ञान के 82, कृषि विज्ञान के 280, भूगोल के बहुत पद आएंगे 793, अर्थशास्त्र के 62 और 140 पद आएंगे, चित्रकला के बहुत ही शानदार पद आने वाले हैं चित्रकला के, और 112 शारीरिक शिक्षा के, बाकी कोच वगैरह उनके अलग अलग आएंगे। उर्दू के भी इस बार बम्पर पद है 40 पद हैं, लोक प्रशासन में 9 पद है जो पिछली बार एक भी पद नहीं था आपको मालूम है, भौतिक विज्ञान ये दोस्तों इस प्रकार 6,000 पदों पर जल्द ही आपको विज्ञप्ति देखने को मिलेगी जिसकी घोषणा पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह जी डोटासरा करके गए हैं, और आशा करते हैं और कि ये भर्ती दिसंबर में आपको विज्ञप्ति इसको देखने को मिल जाएगी। तो अब इस वीडियो से विदा ले रहे हैं, आपको किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन पूछना है नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें, और अपनी जो मांग है 50,000 पदों को ये नए शिक्षा मंत्री जी के पास पहुंच गई है, और सरकार से लगातार हम इस चैनल के माध्यम से मांग कर रहे हैं कि सरकार को 50,000 पद करने चाहिए। अब इस वीडियो से विदा ले रहे हैं, जय हिंद जय भारत वंदे मातरम। पहली बार मैं ज्वाइन करूंगा आपने और बैठे आपके बच्चियों वाला बेरोजगार वाला तो आप कर ही दे, उसके अलावा जो शिक्षा कर दी है और कई मांगे पूरी होती है 12-13 मांगे जिसमें सब अंतिम करेंगे, आपकी बात पूरी रखते हैं।